बोलोगे? देखना सर सारे हैं और हमें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। आप देख रहे हैं जगह न्यूज पॉइंट लाइव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में है, हर तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो आपको बताते चले कि जेके प्लाजा का ये साथ ही एरिया है और साफ तौर पर आपको बताते चले कि सेक्टर 1A साउथ एक्सटेंशन की तरफ ये इलाका पड़ता है, त्रिकूटा नगर है। और यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में किसी एक व्यक्ति के देखे जाने की बात जो है वो सामने आई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सेना यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अगर हम चारों तरफ अपने कैमरे को घुमाएं तो बिल्कुल भी छिपने की जगह यहाँ पर नहीं है, लेकिन थोड़ी ही दूर यहाँ से आर्मी का बेस कैंप है जहाँ पर किसी भी वारदात को अंजाम देने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि सत्यम रिजॉर्ट के बिल्कुल पास, जेके प्लाजा के बिल्कुल पास संदिग्ध परिस्थितियों में किसी एक व्यक्ति के देखे जाने की खबर सामने आई है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस व्यक्ति को पकड़ा गया है और आर्मी सेना के जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे वो अपने साथ इन्हें यहाँ से लेकर चले गए हैं। और अब आगे का वहां से ही पता चल पाएगा जब उन लोगों के साथ बातचीत होगी जो शख्स पकड़ा गया है कि आखिर वो कौन था, कहां से यहां पर आया हुआ था, क्योंकि साफ तौर पर काफी ज्यादा लोग जो है वो यहां इस वक्त मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन भी सेना के द्वारा यहां करवाया जा रहा है। हमने सोचा कि शायद मॉक ड्रिल है, लेकिन जिस तरह से सेना की गाड़ी यहाँ पर मौजूद और हर मीडिया यहाँ पर पहुंचा हुआ है तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बौखलाहट देखी जा रही है और बार बार इनपुट भी जारी हो रहे हैं कि आतंकी किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और इस वक्त किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सर, आप यहाँ पर ही थे उस वक्त जब आपने यहाँ पर ये पूरी, आप थे यहाँ पर। आपको मैं ये बताते चले कि लगातार लोगों का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर लग रहा है और धीरे धीरे लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक डर और खौफ जो है वो लोगों के अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार इनपुट जो है वो भी जारी हो रहे हैं कि आतंकी किसी भी बड़ी घटना को अंजाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए क्या वो आतंकी था या नहीं, इसका फिलहाल अभी कोई अता पता नहीं चल पाया है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और जिस शख्स को यहाँ से ले जाया गया है आखिर उसका क्या कुछ कहना है वो तो फिलहाल जब प्रेस ब्रीफिंग होती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर वो शख्स कौन था, कहां से आया और यहां पर किस तरह पहुंचा। लेकिन जेके प्लाजा के पास का बिल्कुल ये एरिया जहां पर इस शख्स को देखा गया संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर और लोगों का काफी ज्यादा जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से 370 और 35 से यहाँ से हटा है उसके बाद लगातार आतंकी जो है वो अपनी किसी भी गतिविधि को अंजाम देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। फिलहाल अगर कोई और भी अपडेट आती है तो आपके साथ साझा जरूर की जाएगी। आप देखते रहिए जेके न्यूज पॉइंट लाइव।